द रॉक एंड शॉन माइकल्स WWE के रिंग में कदम रखने वाले सबसे बड़े नामों में से एक है, बट इन दोनों के बीच कभी भी कोई मैच रसल नहीं हुआ। हालांकि प्रोमो एक साथ जरूर दिए, लेकिन कभी भी कोई मैच रसल नहीं किया। ये WWE के उन ड्रीम मैचेस में से एक है जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाए। बट अर्ली 2000 में WWE ने इस मैच को बनाने की कोशिश की, बट रॉक ने इसे रिफ्यूज कर दिया। सो ऐसे क्या रीजन रहे होंगे जिसके कारण रॉक ने इसे रिफ्यूज कर दिया, तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो होने वाली काफी इंटरेस्टिंग, वीडियो को देखे बिल्कुल लास्ट तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि चैनल से जुड़ी सारी अपडेट जानने को मिलती रहे। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, माई नेम इज गौरव एंड यू आर वॉचिंग रेसल पांडा। सो WWE के दो बड़े नाम द रॉक एंड शॉन माइकल्स, जिन्होंने साथ में अपने करियर की शुरुआत जरूर की, लेकिन कभी भी रिंग में कोलाइड नहीं हुए। एक सेम रिंग में होने के बावजूद भी इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कभी कोई मैच रेसल नहीं किया। अपनी जनरेशन के सबसे बड़े नाम होने के बावजूद भी इन दोनों ने कभी भी कोई मैच रेसल नहीं किया। सो इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। सो द रॉक का डेब्यू हुआ WWE में नवंबर 1996 में, लेकिन जब शॉन माइकल्स रिटर्न हुए 2002 अगस्त में, तो रॉक का वो लास्ट दिन था अपने फुल टाइमर के रूप में। हालांकि ये मैच होने की अपॉर्चुनिटी बनती रही, क्योंकि रॉक बार बार अपनी स्पेशल अपीयरेंस करते रहते। ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी रेसलमेनिया 20 में, बट रॉक ने इसे रिफ्यूज कर दिया। एक रिसेंट इंटरव्यू में क्रिस जेरिको ने डेव मेजरोट को बताया कि 2002 में माइकल एंड रॉक का मैच शेड्यूल किया गया था, बट रॉक ने इसे रिफ्यूज कर दिया, और इसका रीजन था जो शॉन माइकल्स ने पास्ट में रॉक के साथ किया। सो बात है लेट 1980s की, जब शॉन माइकल्स अपने टैग टीम पार्टनर के साथ मैच रेसल कर रहे थे, वो भी हवाई में, और जिसको रॉक की ग्रैंडमदर लिया मालविया ने प्रमोट किया था। वहां पर माइकल्स ने रॉक की इंसल्ट की और उन्हें मॉक किया, साथ ही साथ वो उनके साथ काफी डिसरेस्पेक्टफुल थे। उसके बाद रॉक ने WWF में डेब्यू किया, बट शॉन माइकल्स उस टाइम पर WWF चैंपियन थे एंड कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नाम थे। बट रॉक ने एज ए हील अपनी पहचान बनाई और उनको मैच मिला माइकल के साथ, लेकिन माइकल ने रॉक के साथ काम करने से मना कर दिया और अपने दोस्त ट्रिपल एच को वह मैच दे दिया। इस टाइम रॉक के रिलेशन ब्रेट हार्ट के साथ बहुत अच्छे बनने लगे थे, जो कि शॉन माइकल्स के बैक स्टेज एनिमी थे। लेकिन बात तब बढ़ गई जब रेसलमेनिया 15 1999 में रॉक, जो कि WWF चैंपियन थे, डिफेंड कर रहे थे अपनी चैंपियनशिप अगेंस्ट स्टोन कोल्ड। लेकिन शॉन माइकल्स, जो कि उस टाइम अपनी नेक इंजरी के कारण रिटायर थे, वो विंस मैकमैन के पास गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि रॉक का स्पॉट उनके दोस्त ट्रिपल एच को दे दिया जाए और उन्हें मैच से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन विंस मैकमैन ने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, बट समहाउ ये बात रॉक के पास पहुंची और उन्होंने उस पॉइंट पर साफ मना कर दिया कि वे शॉन माइकल के साथ कोई भी मैच रेसल नहीं करेंगे और ना ही उनके साथ कोई काम करेंगे। एट दैट टाइम द रॉक एंड शॉन माइकल्स रियल लाइफ एनिमी बन चुके थे, लेकिन WWF फिर भी उनके साथ काम करना चाह रही थी और उन्हें पेयर करना चाह रही थी। स्मैकडाउन के डेब्यू एपिसोड 1999 में रॉक ने चैलेंज किया ट्रिपल एच को फॉर द WWF चैंपियनशिप, और वहां पर माइकल थे स्पेशल गेस्ट रेफरी। माइकल्स एकदम से रॉक पे टर्न हुए और उन्होंने उनको सुपर किक लगा दी और ट्रिपल एच उस मैच को जीत गए। लेकिन असली कहानी बैक स्टेज हुई, जब रॉक ने कहा कि माइकल्स ने उन्हें हार्ड हिट किया है और वो भी अननेसेसरी। इस इंसिडेंट के बाद माइकल्स 9 मंथ के लिए WWF पे अपीयर नहीं हुए, और जब माइकल रिटर्न हुए 2002 में, रॉक ने माइकल के साथ कोई मैच रेसल करने से मना कर दिया और ना ही उनका कोई इंटरेस्ट था उनके साथ वर्क करने में, और ये पोटेंशियल मैच की विंडो हमेशा के लिए तब बंद हो गई जब 2010 में माइकल्स ने रिटायरमेंट ले लिया। सो बस गाइस, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको जानने को मिलती रहे, एंड मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।